वीडियो में हम बात करेंगे उस छोटी सी नन्ही सी चिड़िया के बारे में जिसे अपना घर बनाने के लिए इंसानों के घर में जगह ढूंढनी पड़ती है। अगर देखा जाए तो देखने में यह छोटी सी नन्ही सी चिड़िया काले या भूरे रंग की होती है और इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर से लेकर के 18 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। इसका वजन 13 ग्राम से लेकर के 42 ग्राम के बीच होता है। इसकी चोंच काफी मजबूत होती है। यह एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा पक्षी है जो कुछ वर्ष पहले बड़ी आसानी से देखा जा सकता था, लेकिन आजकल इसे देखना कुछ मुश्किल हो गया है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कारणों के बारे में जिन कारणों के चलते चिड़ियों की संख्या में कुछ कमी आ रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि संसार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, विकास भी उतना ही ज्यादा हो रहा है, तो विकास की इस आंधी में इस छोटी सी चिड़िया को याद कौन रखेगा। कच्चे मकानों और छप्परों की जगह आजकल पक्के मकान ले रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। पहले जब घर कच्चे होते थे, घरों में छतें घास फूस और लकड़ी की बनी होती थी, तो चिड़िया को आसानी से अपना घर बनाने के लिए हमारे ही घरों में जगह मिल जाती थी। पर आजकल तो पक्के सीमेंटेड शीशे वाले घर बन गए हैं, तो चिड़िया को उन घरों में अपना घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं मिल पाती। और दूसरी बात, हम में से बहुत से लोगों की सोच भी होती है कि अगर चिड़िया हमारे घर में घोंसला बनाएगी तो गंदगी फैलाएगी। पहले जब घर की औरतें घर से बाहर बैठ के अनाज साफ करती थी तो अन्न के कुछ दाने इन पक्षियों को भी खाने के लिए मिल जाते थे। फसलों में कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग मानव स्वास्थ्य पर तो बुरा असर डालता ही है, साथ ही साथ इन परिंदों के लिए भी खतरनाक है। पहले लोग आंगनों में बैठ करके चूल्हों पर खाना बनाते थे और इन पक्षियों को भी खाने के लिए दो चार टुकड़े अन्न मिल जाता था, लेकिन आजकल तो सारा काम किचन में होने लग गया है। पढ़े लिखे लोग किचन से बाहर कुछ नहीं जाने देते, जो भी जाता है बस डस्टबिन में ही जाता है। आजकल के लोगों का जीवन बिल्कुल बदल गया है, ना कोई घर से बाहर बैठ के अनाज साफ करता है, ना कोई घर के बाहर बैठ के रोटी खाता है। पहले जब हम ये सारे काम घर से बाहर बैठ के करते थे तो अन्न का थोड़ा बहुत हिस्सा इन परिंदों को भी मिल जाता था, तो इन कमियों के चलते इन परिंदों की संख्या में कमी हो रही है। अगर हम अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन्हें बचाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं घर में जगह ढूंढकर नेस्ट बॉक्स लगाएं, गर्मियों में अपनी छत के ऊपर इन पक्षियों के पीने के लिए थोड़ा बहुत पानी रखें, इनके खाने के लिए थोड़ा बहुत अनाज रखें। तो दोस्तों, अगर हम ये सब काम करेंगे तो इस नन्हे छोटे पक्षी की चहचहाट को हम फिर एक बार बरकरार रख सकते हैं।